को बाधा पहुंचाना या बाधित करना यह सरासर मानव अधिकार का उल्लंघन है और अपराध है। और यही अपराधी का अपराध करने का काम जयनगर के रेल प्रशासन किया है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही 39 नंबर गुमटी को बंद करके और पटरी के नीचे में बिछाने वाला जो स्लीपर होता है सीमेंट का बना हुआ वह ऊंचा करके लगा दिया गया है और गड्ढा खोद दिया गया है। यह बिल्कुल निंदनीय है, मानव अधिकार का उल्लंघन है और अपराध है। ऐसे पदाधिकारी पर ऊपरी पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी और मानव अधिकार आयोग को चाहिए कि उस पदाधिकारी पर अवलंब मानव अधिकार का हनन करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, हम कलाजी के डीआरएम एवं अन्य प्रशासन को 29 नंबर सी से खाली करने की मांग, बंद जो है उसको खोलने की मांग जो किया गया था, इससे पहले हम जयनगर में नहीं थे, आए तो पता चला। यह सराहनीय कदम को देखते हुए हम अपने पार्टी की ओर से भी डीआरएम समस्तीपुर, जीएम हाजीपुर, जिला पदाधिकारी मधुबनी, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, अंचलाधिकारी, बीडीओ, एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष और जयनगर के सभी राजनीतिक दल को और व्यवसाय संगठन जनप्रतिनिधि को अपने पार्टी की ओर से एक आवेदन लिख करके प्रशासन से यह मांग किए हैं कि जो सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासन रेल प्रशासन के द्वारा जो जनता के सुविधा किए बिना गुंती बंद किए हैं समस्या से अवगत कराता हूं कि हम लोगों का हरेक दिन रात का कारोबार बाजार से होता है। गुंती बंद होने से कोई भी राज्य किसी भी यूपी सड़क से घूम के आएगा यहाँ।